भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया जा रहा है और ये हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया प्रयोग शुरू किया, सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक, उसकी पहली बैठक बिहार को मिला और वो पटना में 30 और 31 तारीख को ज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है। हमारे बिहार के कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार उस कार्यकारिणी की बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैं भी आपके बीच में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एसटी मोर्चा, कुल 7 मोर्चे हैं। उन 7 मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक 30 तारीख को, उसका उद्घाटन यहाँ पर 4 बजे होगा ज्ञान भवन में। उद्घाटन हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे और 30 तारीख को समापन, 31 तारीख को समापन शाम को 4 बजे होगा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 30 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पटना आएंगे तो हमारे पटना सहित पूरे बिहार के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत करेंगे और हवाई अड्डे से वो वहाँ चलेंगे, फिर अंबेडकर हाईकोर्ट के सामने से अंबेडकर जी का जो स्मारक है वहाँ से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मारक तक रोड शो का आयोजन होगा। यह रोड शो ऐतिहासिक हो, आम जनमानस इस रोड शो में भाग ले, इस दिशा में हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ एक और नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है, अभी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस दौरान हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो वहाँ पर जाएंगे और 2 दिन तक अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीब गांव, गरीब कल्याण के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, इस दिशा में हैदराबाद से वो प्रयोग शुरू हुआ और वही प्रयोग बिहार प्रदेश में भी हम लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी के पदाधिकारी और मोर्चे के जो भी पदाधिकारी या सदस्य हैं वो बिहार के 200 विधानसभाओं में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और यहाँ पर नीतीश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारी जो अलायंस की सरकार है, हमने जनता के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए क्या किया है, यह हम जन जन तक पहुँचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जन जन तक पहुँचाएंगे, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। हम लोगों का प्रयास है कि निश्चित रूप से इस कार्यकारिणी से एक अच्छा संदेश बिहार के आम जनमानस में और पूरे देश में जाएगा, उसी की तैयारी के लिए यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। उस बैठक में हमारे देश भर के सभी मोर्चों से जुड़े हुए पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, सभी प्रदेशों से प्रदेश के अध्यक्ष मोर्चे, प्रकोष्ठ मोर्चों के और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में मैंने चर्चा की है, गृहमंत्री जी, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस दिशा में आज
जो तैयारियां अभी तक हुई हैं उसकी जानकारी हम लोगों ने दी है। हम लोगों का प्रयास है कि पटना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत हो और इस कार्यकारिणी को कैसे यादगार बनाया जाए, इस दिशा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बिहार की पूरी टीम लगातार लग करके काम कर रही है। मुझे आप सबके बीच में इतनी ही जानकारी देनी थी, बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई और कार्यक्रम यहाँ पर हैं, उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद अगर कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब हम लोग देंगे। धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सब प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, हमारे सभी मीडिया प्रभारी और साथियों, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी बिहार में होने जा रही है। बिहार भाजपा का यह प्रयास है कि यह अपने आप में एक उदाहरण बन सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 11 बजे आगमन होगा और वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। 31 तारीख को मन की बात पटना सिटी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनेंगे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, और इसी स्थान पर 12 बजे दिन में और पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन होगा और 7 जिला कार्यालयों का शिलान्यास होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए इसको बहुत ही महत्व दिया कि हर जिले में अपना पार्टी का कार्यालय होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास और मेहनत से हम विभिन्न जिलों में अपने पार्टी कार्यालय को अपने भवन में, अपने जमीन पर खोलने में सफल हो रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन बिहार के सभी जिलों के हमारे प्रमुख पदाधिकारियों का होगा। सभी 45 जो हमारे संगठित जिले हैं वह वेब के माध्यम से बिहार प्रदेश कार्यालय से जुड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे बिहार के लिए जो संदेश होगा वह हम आगामी वर्षों में पूरा करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 200 का ही पूछ किया गया नहीं, 200 विधानसभा क्यों चयन किया गया है, उसमें हम लोग जहाँ पर हमको लगा कि यहाँ पर हमारी पार्टी की विचार बात को बहुत ठीक से हमको और पहुँचाना चाहिए, वहाँ पर 200 का चयन हमारी पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। इसका कोई कारण नहीं है, अभी हम जो 43 बचे हैं उसको भी जा करके पूरा करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं, शायद आप हमारी बात को नहीं सुने। मैंने कहा कि इस प्रवास का लक्ष्य है कि मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और नीतीश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन दोनों को जन जन तक पहुंचाना, ये लक्ष्य है इसका, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। सर, ये जो टाइमिंग है अभी आपको 30 जुलाई को रख रहे हैं, इससे पिछले दिनों आया है कि PFI के द्वारा कुछ भाजपा नेता को टारगेट किया जाएगा, तो कुछ ये टाइमिंग जो है, अगर कुछ अनहोनी ऐसा कुछ हो जाए तो ये अभी 30 नहीं, देखिए अब हम लोग तो राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के काम करते हैं। अब किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा अगर कोई धमकी दी जाए तो उसके नाते मैं अपना कार्यक्रम अगर स्थगित कर दूँ, तो हम लोग तो देश के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, तो हम किसी से डर करके अपना कार्यक्रम कैंसिल करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। बाकी ऐसे लोग जो धमकी देने वाले हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, हमारे देश की खुफिया एजेंसियाँ उस पर कार्रवाई कर रही हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा RSS की तुलना आतंकी संगठनों द्वारा की जा रही है, अब इसका उत्तर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। देखिए, एक उम्र के बाद सभी की सोच कुछ और हो जाती है, और खास करके जब एक अपने आप को जो समाजवादी नेता बनते हो, वह किसी के भी घर के जो भी उस घर का सदस्य हो उसकी नौकरी कबूल कर लेते हैं। ये तो है कि वो मैंने कोई भी बना देंगे, कल को तेजस्वी जी के पुत्र जो भविष्य में भी होंगे उनकी भी जो आदेश है उसका पालन सभी को करना है, तो राष्ट्रीय जनता दल में कौन क्या बोलता है इसका। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।